इतने बजे से होगा भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मुकाबला लाइव। जी हाँ दोस्तों, भारत ने जिम्बाब्वे को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के आखिरी मुकाबले में 71 रन से हरा दिया है। जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत के साथ ही भारत ग्रुप बी में 8 अंक लेकर टॉप पर पहुंच गया है, जिसके बाद सेमीफाइनल में अब भारतीय टीम का सामना ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम इंग्लैंड से होगा। भारत की जीत से पाकिस्तान ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर फिसल गया है, उसके 6 अंक हैं। दोस्तों, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से एक बार फिर कोहराम मचाया। सूर्या और केएल राहुल दोनों के बल्ले से अर्धशतक निकले। वहीं आर अश्विन ने 3 विकेट लिए। वहीं 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम भारतीय अटैक का सामना नहीं कर पाई और पूरी टीम 17.4 ओवर में 115 रन पर सिमट गई। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 35 रन रियान बल ने बनाए। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने अपना दम दिखाया, मगर इस बीच सेमीफाइनल से पहले आखिरी ग्रुप मुकाबले में भारत की एक बार फिर कमजोरी सामने आ गई। जी दोस्तों, सभी उम्मीदों को सही ठहराते हुए भारतीय टीम ने T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह तो बना ली है। अब भारतीय टीम खिताब बस 2 कदम दूर रह गई है और जिस तरह मैच दर मैच भारतीय टीम में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, उसे देखते हुए टीम को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसके बावजूद टीम इंडिया के लिए एक चिंता बरकरार है। विश्व कप शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थी, वो अभी तक टूर्नामेंट में सही साबित होती जा रही है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम के सभी 5 मैच में ओपनिंग जोड़ी अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रही। रोहित शर्मा और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तेज या बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर सकी है। हालांकि शुरुआती 3 मैचों की नाकामी के बाद केएल राहुल ने तो लगातार 2 अर्धशतक जमा दिए हैं, लेकिन कप्तान रोहित अभी तक रंग में नहीं दिखे। वहीं ऋषभ पंत को दिनेश कार्तिक की जगह इस टूर्नामेंट में पहली बार मौका दिया गया था, मगर वो इस मौके को भुना नहीं पाए। पंत बुरी तरह फ्लॉप रहे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब इंग्लैंड के खिलाफ नॉकआउट मुकाबले में किसे मौका दिया जाए, पंत या फिर कार्तिक। रोहित के सामने ये बड़ी चुनौती है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में अंग्रेजों की धुलाई करनी है तो फिर अपने इस कमजोरी को दूर करना ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें, अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से मेलबर्न के मैदान पर 10 नवंबर को होगा और इस मैच का टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे होगा। वही लाइव मैच 1:30 बजे से शुरू होगा, जबकि पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से 9 नवंबर को होगा।